देखियो कितने स्टाइल से खड़ा है, ड्राइवर है, लगता है अपनी औकात भूल गया है। आज तो इसने अगर मेरे लिए गेट नहीं खोला ना तो इसे नौकरी से निकलवाऊंगी, अब मारूंगी अलग। चल। मैम वो ना जो आपका ड्राइवर है वो मेरा दोस्त है, तो आज उसकी जगह मैं आया हूँ, उसकी ना तबीयत बहुत खराब है। तो ये कार आपकी है ना? हाँ हमारी कार है, लेकिन आज उसने बताया तो नहीं वो आएगा। नहीं मैम वो ना उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, तो बस इसलिए मैं आया हूँ। तो आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा ना, आप बैठिए। हाँ चल गेट खोल। मैम मैं क्यों गेट खोलूँ, आपके खुद के हाथ है ना, खुद खोल लो अपने लिए गेट, मैं आपका नौकर थोड़ी हूँ। ओए तुझे सुनाई नहीं दिया क्या मेरी बहन ने क्या कहा, गेट खोल फटाफट से। और हाँ तमीज से बात कर, मालिक है हम तेरे, ड्राइवर है ड्राइवर बन के रहे। हाँ तो ड्राइवर हूँ नौकर नहीं, आप अपने लिए गेट खुद खोल सकते हैं, मेरा काम सिर्फ आपको ड्रॉप करना है, तो प्लीज गाड़ी में बैठिए। ओ हेलो, ड्राइवर का ना काम होता है गेट खोलना, सामान उठाना, तो अपना काम ना ढंग से कर। तेरे दोस्त की नौकरी तो खाऊंगी खाऊंगी, तेरे ऐसे चमाट मारूंगी ना गिरा पड़ा मिलेगा कहीं। चाटा मारिए जरा। सुन इसे लग रहा है पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे पापा कौन है, इसे लग रहा है मैं इससे डर जाऊंगी, एक चमाट मारूंगी ना कुछ कर भी नहीं पाएगा। मारिए जरा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे चाटा मारने की, और मेरा दोस्त ना शायद इसीलिए जॉब पे आने से डरता था, सिर्फ तुम दोनों की बदतमीजी की वजह से। और एक बात बताओ तुमने मुझ पे कैसे हाथ उठाया, मैं तो तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर भी नहीं हूँ, मैं तो उसकी जगह आया हूँ। हाँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हाथ उठाने की। और हाँ ड्राइवर ना गुलाम नहीं होता, पैसे देते हैं तुम्हें, गुलाम ही हो तुम हमारे, तुझ जैसे ना और तेरे दोस्त जैसे हमने नौकर और ड्राइवर रखे हुए हैं। तुझे ना पता नहीं है कौन हूँ मैं, मेरे पापा कौन है, मिनट में गायब करा दूंगी ना, पता भी नहीं लगेगा। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से बदतमीजी करने की। दीदी आप ना एक काम करो, पापा को फोन मिलाओ और इसको इसकी औकात दिखाओ, इसकी औकात कैसे हुई आपसे बदतमीजी करने की, इसको अभी इसकी औकात दिखाते हैं। अबे ओ मैंने अपने दोस्त की वजह से आया हूँ, सिर्फ दोस्ती निभाने, वरना मैं नहीं आता तुम लोगों को पिक करने, आई बात समझे। और मुझे ना पैसे की धौस मत दो, जितने पैसे तुम महीने में कमाते होगे ना उससे ज्यादा मैं हफ्ते में गाड़ी का पेट्रोल डलवा लेता हूँ, आई बात समझ में। क्या करता है तू, ड्राइवर ही होगा, तेरा दोस्त भी तो ड्राइवर ही है, और ऐसे झूठी कहानियां बना के ये मत सोचियो कि हम मान जाएंगे कि तू अमीर है, तू बहुत पैसे वाला है। क्या औकात है तेरी, जैसे तेरे दोस्त की औकात है ना वैसी होगी तेरी औकात। अरे सर आप यहाँ? अरे भैया आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हो, कौन है ये? अरे ये ड्राइवर नहीं, ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली के, और तुम्हारे पापा को भी तो इन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या पापा ने इन भैया से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो ये ड्राइवर बन क्यों खड़ा था यहाँ पे? देखिए ये आप लोगों की नज़र में होगा छोटा काम, ड्राइवर हो या कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मैं सिर्फ अपने दोस्त के खातिर आया क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ पे ड्राइवर की जॉब करता है, और आज उसकी तबीयत खराब है, और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आप लोगों को पिक करने क्यों आया हूँ। और आपके पापा को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया ना काम का, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी के अभी कैंसिल करूंगा, तभी तुम लोगों को अक्ल आएगी कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे पापा का भी नुकसान हुआ है और तुम्हारे पूरे परिवार का, आई बात समझ। नहीं नहीं मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मेरी गलती की सजा मेरे पापा को मत दीजिए, वो तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसीलिए तो आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, मेरी गलती की सजा आप उन्हें मत दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और पापा ना हमें डांट लगाएंगे, प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा। अरे सर छोड़िए ना, ये तो बच्चे हैं और आप तो मैच्योर है ना, अब इनकी गलती की सज़ा इनके पापा को क्यों देनी, माफ़ कर दीजिए ना। ठीक है सिर्फ तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा वैसे छोड़ रहा हूँ, वरना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवाता और तुम दोनों को थाने के अंदर बंद भी करवाता, जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया उस केस में भी, आई बात समझ। कल से मेरा दोस्त नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने, अपने आप चलाना गाड़ी।